वेलकम टू अन अकेडमी यूपीपीएससी मैं कुश चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपके अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एंड आज हम लोग फिर से क्या करेंगे आपकी आज की करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे यानी कि 2 जून 2020 हजार के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे सो 2 जून से कुछ याद आ रहा होगा आपको आई होप कि मुझे पता है कि आप लोगों को याद होगा कि 2014 में क्या हुआ था खैर पहले प्रश्न से स्टार्ट कर लेंगे एंड देखेंगे क्या क्या है आपकी आज की क्लास में एंड क्या क्या है आपके एमसीक्यूज आपके आज के लिए सो आपका पहला प्रश्न है आपसे बोल रहे हैं क्या कि तेलंगाना स्थापना दिवस डैश को मनाया जाता है कुछ याद आया बिल्कुल 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना जो दिवस है उसकी स्थापना हुई थी तेलंगाना का निर्माण हुआ था तो इसीलिए आपका जो तेलंगाना स्थापना दिवस है वो 2 जून को मनाया जाता है अब क्या है 2 जून को प्रति वर्ष तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है हम सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी आए थे अपने कार्यकाल में और उन्होंने क्या किया था तेलंगाना राज्य की स्थापना करी थी एंड तेलंगाना राज्य की स्थापना मैं बेसिकली बोलूंगी कि उन्होंने नहीं करी थी ये पूरा प्रोसेस के साथ में हुआ था जो कि होना चाहिए बट स्टिल उनके टाइम पीरियड में ये काम हुआ था एंड uh, इस वर्ष तेलंगाना स्थापना दिवस की छठवीं गा, वर्षगांठ है यानी कि 2014 से 2020 से तो छठवी वर्षगांठ है देन तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का उन्तीसवा राज्य है हालांकि अभी अगर आप नंबर देखोगे ऑफ स्टेट्स तो 28 स्टेट्स हो गई हैं एट यूनियन टेरिटरीज हैं इन प्रेजेंट टाइम बट ये उन्तीसवा राज्य था उस टाइम पीरियड में देन हैदराबाद को दस साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया था लेकिन अभी क्या है आपका या आप बोलोगे कि अभी चलेगी दस वर्ष तक जब तक कि अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की प्रॉपर तरीके से ऑथराइज्ड कैपिटल है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाती है 29 नवंबर 2009 को नौ को चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में हड़ताल शुरू ने करते हुए तेलंगाना के गठन की मांग की थी केंद्र सरकार पर बढ़ते दबाव के चलते तीन फरवरी 2010 को पूर्व पूर्व न्यायाधीश श्रीकृष्ण के नेतृत्व में पांच सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया समिति ने 30 दिसंबर 2010 को अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी आखिरकार तेलंगाना में भारी विरोध और चुनावी दबाव के चलते 3 अक्टूबर 2013 को यूपीए सरकार ने प्रत्येक तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी दे दी अब हुआ क्या दो जून को यानी कि मई में आपके इलेक्शंस हुए थे एंड दो जून 2014 को तेलंगाना देश का उन्तीसवा राज्य बन गया था और चंद्रशेखर राव ने इसके पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी जितने भी लोग तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए याद रखने वाली बातें हैं खैर अभी यहाँ पे और भी चीजें हैं तेलंगाना के बारे में तेलंगाना की अगर हिस्ट्री की बात करूं उनके इतिहास की बात करूं तो तेलंगाना सात वाहन सहित कई शासकों द्वारा शासित था 2020 से 2030 BCE सी काकतीय वंश 1083 से 1323 आपका रहा था देन मुसुनुरी नायक से 1326 से 1356 दिल्ली सल्तनत बहमनी सल्तनत 1347 से 1512 कुतुबशाही राजवंश 1512 से 1687, मुगल सम्राज सोलह सौ सत्तासी से सत्रह और आसफ जाही राजवंश 1724 से 1948 तक तेलंगाना में रहा था जिस क्षेत्र को प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना कहा जाता है उसमें से आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 10 जिले आते हैं मूल रूप से ये निजाम है कि हैदराबाद रियासत का हिस्सा था या निजाम की रियासत का हिस्सा था देन तेलंगाना नाम तेलुगु अंगाना शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है वो जगह जहां तेलुगु बोली जाती है निजाम 1724 से 1948 ने तेलंगाना शब्द का इस्तेमाल अपने राज्य में मराठी भाषी क्षेत्रों से अलग करने के लिए किया गया था देन यहां की आधिकारिक भाषा उर्दू और तेलुगु है यहां बहने वाली कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर बांध पत्थर से बना दुनिया का सबसे बड़ा बांध है तो आपको इस चीज को भी क्या करना है याद रखना है देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थर्ड आप इसको बोलते हो निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित एक परिवहनीय जमीन आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है सी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो बट मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये आपकी यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित एक आपकी क्या है थाट है एक मिसाइल प्रणाली है देन आपको बता दूं कि क्यों है न्यूज में हाल ही में क्या हुआ कि चीन ने दक्षिण कोरिया में ठीक है साउथ कोरिया में अमेरिका की थर्ड यानी कि मिसाइल रक्षा प्रणाली की, की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल लक्ष्य प्रणाली के नए संस्करण की, की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने यह आपत्ति दर्ज कराई है चाइना का पक्ष क्या है यहाँ पे आप देख लीजिएगा चीन ने एक बयान जारी कर अमेरिका से आग्रह किया है कि वह चीन और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान ना पहुंचाए देखिए हम सभी को पता है कि आपका जो साउथ कोरिया है उसके रिलेशन या वहां पे अमेरिकी सेना मौजूद रहती है प्रेजेंट रहती है नॉर्थ कोरिया की वजह से सो अब यहाँ पे क्या है कि बायोलिट्रल जो रिलेशन है बिटवीन चाइना और जो आपके साउथ कोरिया है उनको प्रॉब्लम फील फील कर रहा है या फेस कर रहा है चाइना इसलिए उन्होंने अपना ये पक्ष रखा है वेर एज अगर मैं साउथ कोरिया का पक्ष रखूँ दक्षिण कोरिया का पक्ष रखूँ तो दक्षिण कोरिया ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि मिसाइलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है केवल उन्हें एक नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापित किया गया यानी कि चेंज किया गया एंड चेंज किया गया देन चीन द्वारा जो थार्ड के विरोध के कारण है उसके पीछे मैं आपको बता देती हूँ रीजन की द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली में उन्नत रडार सिस्टम है जो चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है अब अगर आपका किसी भी देश की गतिविधियां या सैन्य गतिविधियों में आप बोलोगे कि उनके ऊपर नजर रखी जाएगी निगरानी रखी जाएगी तो बट ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हो सकता है बट चाइना को नहीं करना चाहिए खैर वो उनका अपना पक्ष है अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया में अपने कई सैन्य ठिकानों के माध्यम से पूर्वी एशियाई क्षेत्र में मौजूद है जिसको लेकर चीन चिंतित है हालांकि चीन के भी जो तरीके हैं वो भी बहुत ज्यादा आप बोलोगे कि सही नहीं है इन ग्लोबल लेवल की जो आपकी पॉलिटिक्स होती है उसमें खैर पूर्वी एशिया के कुछ पर्यवेक्षकों यानी कि ऑब्जर्वेटरों के अनुसार चीन का मानना है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया और जापान पर अपना प्रभाव कायम कर रहा है और पूर्वी एशिया में चीन के दीर्घकालिक सैन्य राजनयिक और आर्थिक हितों पर हस्तक्षेप कर सकता है और अभी आपको पता भी होगा कि अमेरिका इन चीन की नहीं बन रही है थार्ड के बारे में आपको बता देती हूँ कि टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस या थर्ड पूर्व में थिएटर हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एक अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है थार्ड को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणाली में गिना जाता है थार्ड अंतरिक्ष आधारित तो और जमीन आधारित निगरानी स्टेशन से तो जुड़ा होता है यह स्टेशन अपनी तरफ आने वाली मिसाइलों के बारे में थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइल को डेटा ट्रांसफर कर खतरे के प्रकार के बारे में सूचित करता है यह 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में भी सक्षम है इसमें टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है इसकी हिट टू किल अर्थात सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि नष्ट कर देती है तो आपको अपने आप से देखना है कि आप किस जगह में जा रहे हो एंड किस जगह में आप नहीं जा रहे हो खैर आपका जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए मछली को बिच्छू मछली यानी कि स्कॉर्पियन फिश कहे जाने का प्रमुख कारण है इसकी रीढ़ में न्यूरोटॉक्सिक विष की उपस्थिति यह मछली शिकार करते समय तथा तो शिकार से बचने के लिए अपना रंग बदलने में भी सक्षम है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है केवल एक सही है केवल दो सही है एक और दो दोनों सही है तो ना तो एक सही ना तो दो सही है खैर इसको आप डिटेल में पढ़िएगा मैं चाहती हूँ कि आप इसको डिटेल में पढ़िए क्यूरियोसिटी आपकी जाय बनी रहे कि भाई इसका आंसर क्या होगा क्योंकि अपने आप में एक नया क्वेश्चन है देखो भाई सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा मन्नार की खाड़ी में ठीक है सेतु कराई तट पर एक दुर्लभ प्रजाति की मछली की खोज की गई है अपने ही तट की बात करी जा रही है ऐसा पहली बार है कि जब भारतीय जल क्षेत्र में कोई विशेष जलीय प्रजाति की खोज या जीवित खोज खोजी गई हो देन सेंट्रल मछीन मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इस मछली को खोजा या खोज मन्नार की खाड़ी में समुद्री घास के मैदान का सर्वेक्षण करने के दौरान की गई है वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि छिपकर रहने वाली है बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है जो जहरीले कांटों से युक्त है ठीक है जहरीले कांटों से युक्त है इसका जुलॉजिकल लौ, नाम जो है वो है स्कॉर्पो स्कॉर्पियोपिस नेग्लेक्टा ठीक है आपको इसको याद रखना है देन बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश शिकार करते समय तथा शिकार से बचने के लिए अपना रंग बदलने में भी सक्षम है तो आपको पता चल गया पहला इस, दूसरा स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है देन पानी के अंदर सर्वेक्षण के दौरान यह मछली एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करती है जो कि एक मूंगा का रूप धारण कर लेती है कि मूंगा के कंकाल की तरह नजर आती है मछली को बिच्छू मछली इसलिए कहा जाता है ये आपका पहला स्टेटमेंट था कि इसके प्रमुख कारण में है इसकी रीढ़ में न्यूरोटॉक्सिक विषय उपस्थिति तो इसलिए इसको हम लोग स्कॉर्पियन फिश भी बोलते हैं बिच्छू मछली भी बोलते हैं अब न्यूरोटॉक्सिन जो है उसके बारे में आपको बता देती हूँ न्यूरोटॉक्सिन एक विषाक्त पदार्थ है ठीक है टॉक्सिक एलिमेंट है आपका मैटर है जो तंत्रिका तंत्रिकाऊतक के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है न्यूरोटॉक्सिन बहिर्जात रासायनिक न्यूरोलॉजिकल का एक विशाल वर्ग है यह विकासशील और परिपक्व दोनों प्रकार के यानी डेवलप जो हो रहे है दे हैं उनमें एंड जो ऑलरेडी डेवलप्ड है प्रकार के उतकों यानी कि टिश्यू के कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है यानी कि फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल कंडीशंस में आपको क्या कर सकता है अफेक्ट कर सकता है जब मछली की रीढ़ किसी कठोर सतह पर या व्यक्ति के साथ लगती या चुभती है तो इसकी रीढ़ में उपस्थित जो विष होता है वो तुरंत सतह में प्रवेश कर जाता है जो बहुत ही ज्यादा दर्द को उत्पन्न भी कर सकता है Okay, आपका जो अगला प्रश्न है उसमें और ये अच्छी बात है कि आप अपने एरिया में अब बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है या नई नई मिल रही है बट यही होता है आपका मेस, बेसिक पर्पज कि ये जो स्पेशीज है इसमें आपसे बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस संगठन ने पीपीई और अन्य सामग्रियों के कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट विकसित की है आई होप कि आप लोगों ने इसको न्यूज में पढ़ा था मैंने तो पढ़ा था खैर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी श्री चित्र तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ एंड महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि आपका सी इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उस वाले का ऑप्शन तो दोनों सही थे पुराने वाले क्वेश्चन के सो so, डीआरडीओ ने इसका क्या किया है अल्ट्रा वायलेट या अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट विकसित की है देन इसको देख लेते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई ठीक इसको इलेक्ट्रॉनिक सामानों कपड़े सहित आपके विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रास्व नामक कीटाणु शोधन यूनिट को विकसित किया है इस उत्पाद को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, ठीक है डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला ने अपने औद्योगिक पार्टनर मेसर जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद के साथ में मिलकर विकसित किया है इस प्रणाली में एक उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसमें कीटाणु शोधन के लिए कई अवरोध विघटन पद्धतियों को शामिल करके ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जाता है खैर इसमें पर्यावरण के अनुकूल निकासी के लिए उत्प्रेरक कन्वर्टर भी लगे हुए हैं यानी केवल ऑक्सीजन और पानी की ही निकासी होती है दूसरी चीज यह प्रणाली औद्योगिक व्यवसायिक व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है दो रूपों में आता है जिनके नाम है ओजोनेटेड स्पेस और त्रिनेत्र त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का भी आपको नाम याद रखना है यह है प्रणाली दो हजार 2020 वोल्ट और 50 हर्ट्ज बिजली की आपूर्ति पर काम करती है तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो 9 जून से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिजिक्स से ही स्टार्ट कर रही हूँ तो आई होप आप लोग साइंस का टॉपिक पढ़ने के लिए जरूर इनर करेंगे मेरे कोर्स में खैर डीआरडीओ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी राजनाथ सिंह जो है इनके या डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड चेयरमैन जो है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है इनका नाम भी आपको क्या करना है याद रखना है देन आपका अगला प्रश्न इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन 7.75 परसेंट बचत यानी कि सेविंग कर योगी बॉन्ड दो के बारे में सही है सही चीज आपको फाइन करनी है सरकार ने अट्ठाईस मई दो से इन बॉन्ड को वापस ले लिया है और इसलिए यह निवेशकों को निवेश करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा दूसरी चीज 2018 में भारत जारी भारतीय रिजर्व बैंक को 7.75 बॉन्ड निवासियों और एच यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए उपलब्ध है निवेश का जो न्यूनतम मूल्य है वो एक हजार रुपए था जबकि कोई अधिकतम सीमा इसकी नहीं थी उपरोक्त तो सभी संयम देखिए आपके सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है मैं आपको पहले ही बता दे रही हूं बट इस टॉपिक को भी या इस पॉइंट को भी इस क्वेश्चन को भी बहुत ढंग से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ सकते हो कि किस लिए इसको बोला गया इंपॉर्टेंट तो मैं आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर रही हूँ देखिए आरबीआई ने घोषणा की कि भारत सरकार ने सदस्यता के लिए ठीक है 7.75 बचत कर योग्य यानी कि आपके टैक्सेबल हैं बॉन्ड 2018 को बंद कर दिया है ठीक अब क्या है कि 7.75 बचत कर योग्य बॉन्ड 2018 जिसे आरबीआई बॉन्ड या सरकारी बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है 10 जनवरी 2018 से जारी किए गए थे और कर योग्य बॉन्ड में निवेश करने के लिए निवासी हिंदू या नागरिकों या हिंदू अविभाजित परिवार को सदस्यता के लिए भी उपलब्ध थे निवेश का न्यूनतम मूल्य एक हजार रुपए था जबकि अधिकतम सीमा नहीं थी बॉन्ड में जारी होने की तारीख से सात साल का लॉक इन पीरियड था लेकिन इसमें साठ वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को समय से पहले निकासी की अनुमति दी गई थी यानी कि आप अगर अगर जमा कर देते हो या बॉन्ड आप खरीद लेते हो तो आपका जो लॉक इन पीरियड है वो आपका सात साल के बाद में ही मिलेगा आपको अमाउंट उसके पहले आपको नहीं मिलेगा सो बट अगर आप सिक्सटी प्लस हैं तो आपको मिल सकता था इन इन बॉन्डो पर जो आपका ब्याज था यानी कि जो इंटरेस्ट था वो आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपका योग्य होगा टैक्सेबल होगा देन भारत सरकार ने 28 मई 2020 से प्रभावी रूप से इन बॉन्डो को वापस ले लिया और इसलिए निवेशकों को निवेश करने के लिए उपलब्ध नहीं है अभी आप सोचो कि आप अभी इन वाले बॉन्ड्स को खरीद लो और निवेश कर दो तो नहीं आप अभी नहीं कर सकते बट मैं फिर से आपको बता दूं कि प्रायर वे में या प्रायरली या प्राइमरली जिनों ने भी इस बॉन्ड को खरीदा है परचेस किया हुआ है वो उन लोगों के जो राइट्स हैं वो यहाँ पे अफेक्ट नहीं होने वाले हैं बस आपके जो नए कंज्यूमर हैं वो इन बॉन्ड्स को नहीं परचेस कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि यह केवल ताजा जारी करना बंद कर रहा है और पहले से निवेश किए गए लोगों को नहीं भून रहा है ठीक है देन जो मैंने अभी बोला वही स्टेटमेंट है का मतलब है हालांकि यह कदम आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती और बाद में बैंकों द्वारा जमा दरों में कटौती और सरकार द्वारा छोटी बचत दर के अनुरूप है यह कदम निवेशकों को निवेशकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक कर रिटर्न देने वाले दूसरे ब्याज साधनों से वंचित भी करेगा आपको RBI के बारे में पता ही होगा बट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सेंट्रल बैंक है जो भारतीय रुपए के मुद्दे और आपूर्ति को नियंत्रित करता है RBI पूरे भारत में बैंकिंग का रेगुलेटर है बैंक्स का रेगुलेटर है भारत सरकार विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाता है इसका मुख्यालय मुंबई में है स्थापना एक अप्रैल उन्नीस को आरबीआई अधिनियम उन्नीस के तहत करी गई थी देन आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं मेरा जीवन मेरा योग जिसे जीवन योग भी कहा जाता है वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का संयुक्त प्रयास है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का आयुष मंत्रालय का खाद्य और कृषि मंत्रालय का युवा मामले और खेल मंत्रालय का देखिए ये आपका आयुष मंत्रालय का क्या है आपका इनिशिएटिव है और किया किसके द्वारा गया है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग जिसे आप जीवन योग भी कह सकते हो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर का एक संयुक्त प्रयास है जो 21 जून 2020 को यानी कि आपका क्या है विश्व योगा दिवस इंटरनेशनल योगा डे के दिन में आपका सेलिब्रेट किया जाएगा को आने वाले छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवलोकन में लोगों को सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करेगा यह प्रतियोगिता 31 मई 2020 को आयुष मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव हो गई है प्रतिभागियों द्वारा तीन वर्गों युवा 18 अथार 18 से से वर्ष कम आयु के वयस्क 18 वर्ष से अधिक आयु के और योग्य प्रोफेशनल्स के तहत इसके अतिरिक्त पुरुष एवं महिला के लिए अलग अलग से प्रविष्टियां प्रस्तुत की जाएंगी इस प्रकार कुल मिलाकर छह वर्ग होंगे छह वर्ग होंगे आपको याद रखना है भारतीय प्रतियोगिता प्रतियोगियों के लिए के लिए प्रत्येक वर्ग भीतर पहले दूसरे एवं तीसरे स्थान के लिए एक लाख रुपए पचास हजार रुपए और पच्चीस के बराबर की पुरस्कार राशि पहले चरण के भीतर घोषित कर दी गई है वैश्विक पुरस्कारों के विवरण या वितरण विवरण जल्द ही आयुष मंत्रालय के योग्य पोर्टल पर घोषित भी कर दिए जाएंगे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को एक लघु वीडियो संदेश या विवरण की कि किस प्रकार उक्त योग्य अभ्यासों ने उनके जीवन को प्रभावित किया है सहित तीन योग आसनों यानी कि क्रिया आसनों प्राणायाम बंध या मुद्रा के तीन की तीन मिनट की अवधि के वीडियो अपलोड करने की आवश्यकता होगी वीडियो को प्रतियोगिता या प्रतियोगिता के साथ और उपयुक्त वर्ग हैश टैग के साथ फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जा सकता है खैर आपका अगला प्रश्न है और बहुत ही दुखद प्रश्न है कि वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया वह डैश थे सभी को पता है या मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि वो एक संगीतकार थे एंड uh, देख लेते हैं उनके बारे में बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का मुंबई में कोरोना वायरस के कारण एक जून दो को निधन हो गया बयालीस वर्षीय गायक में गुर्दे से भी पीरियड से काफी समय से तीन महीने से मैंने जहां तक सुनी है न्यूज संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद ने सलमान की 1998 की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी और गर्व तेरे नाम तुमको ना भूल पाएंगे पार्टनर और लोकप्रिय दबंग फ्रेंचाइजी सहित अभिनेता की विभिन्न फिल्मों पर भी काम किया था वाजिद ने अपने भाई साजिद के साथ गायन रियलिटी शो सारे पी एल फोर धूम धूम धड़ाम भी गाया जिसे वाजिद ने गाया था वाजिद ने सलमान के लिए मेरा ही जलवा फेविकोल से और अक्षय कुमार के लिए फिल्मों में राउडी राठौर से चिंता चिता, चिता से लेकर के अन्य कई प्लेबैक भी किए हैं उन्होंने हाल ही में सलमान के गीतों प्यार करोना प्यार करो ना और भाई भाई की सह रचना की जिसे अभिनेता ने पूरे यूट्यूब चैनल पर भी किया था उन्होंने अपने भाई साजिद खान के साथ फिल्म के लिए आईफा फिल्म फेयर स्टार स्क्रीन जी सिने और लॉयन क्लब अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक जैसे पुरस्कार साझा किए थे उन्हें पार्टनर और मुझसे शादी करो जैसी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कारों से भी चुना गया था उन्होंने सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के लिए आइफा ए अवार्ड आइफा अवार्ड और जीस ने अवार्ड जीता और साथ ही उसी श्रेणी के स्टार स्क्रीन अवार्ड के लिए नामांकन भी यानी कि नॉमिनेशन भी किया था तो वाजिद खान ये है खैर हाल ही में समाचारों में देखे गए जॉर्ज फ्लॉइड कौन थे अफ्रीकी अमेरिकी आदमी है आर या आई के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि है वैज्ञानिक है ग्रेट ब्रिटेन के नए अटॉर्नी जनरल है मुझे नहीं लगता कि इससे आप लोग अवेयर नहीं होंगे ही इज अ अफ्रीकन अमेरिकन मैन और जॉर्ज फ्लोड फ्लोनॉइड उनका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन को ब्लैक लिफ्स मैटर बी एल एम आंदोलन पर केंद्रित कर दिया है जॉर्ज फलॉयड एक छियालीस वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकन व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हाल ही में मिसी मिनिया पोलिस में हुई थी जब वह पुलिस द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे जॉर्ज फ्लॉइड ह्यूस्टन में से थे और कई वर्षों से वो मिनिया पोलिस में ही रह रहे थे कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण वह बेरोजगार हो गए थे उनकी मौत के बाद ब्लैक लाइफ मैटर आंदोलन वापस आ गया है देन घटना के वीडियो फुटेज में फ्लॉइड की गर्दन पर एक अधिकारी को घुटने टेकते हुए दिखाया गया था क्योंकि हाँ प्रदर्शनकारियों अमेरिका के अन्य हिस्सों में हिंसक अशांति पैदा कर दी है इस घटना ने एक बार फिर अफ्रीकी अमेरिकी अल्पसंख्यक के खिलाफ कानून प्रवर्तन पूर्वाग्रह के बारे में चिंताओं को उजागर भी किया है अब क्या है ये ब्लैक लाइफ मैटर इसके बारे में मूवमेंट के बारे में भी जान लेते हैं ब्लैक लाइफ आंदोलन एक अफ्रीकी अमेरिकी आंदोलन है जो काले लोगों के प्रति हिंसा और नस्लवाद के खिलाफ अभियान है इस अभियान के तहत अमेरिका में अश्वेत लोगों की हत्या पुलिस की बर्बरता नस्लीय रूपरेखा और नस्लीय असमानता के खिलाफ आंदोलन चलाया जाता है यह आंदोलन 2013 से शुरू हुआ था यह आंदोलन आपसे खेलो इंडिया ई पाठशाला डैश द्वारा शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा अंतरराष्ट्रीय विश्व खेल संघ के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा या भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा खैर खेलो इंडिया ई पाठशाला जो है, ये खेल के शुरू किया गया है देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण ग्रास रूट के खिलाड़ियों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए एक जून से राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर के खेलो इंडिया ई पाठशाला शुरू करेगा

क्याकिंग एवं कैनोइंग कबड्डी पैरा खेल रोइंग निशानेबाजी टॉयक्ंडो टेबल टेनिस वॉलीबॉल भारत तोलन कुश्ती और वुशू शामिल है खैर आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि कौन कौन से गेम शामिल हैं ऐसा आपको पूरे इक्कीस के इक्कीस गेम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको मैं साई के बारे में बता देती हूँ कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसके जो महानिर्देशक हैं वो संदीप प्रधान हैं

इसी के साथ दुनिया में वाणिज्य अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत भी हो गई है अंतरिक्ष यात्री डग हार्ले और बॉब बैंक के रॉकेट फॉल्कन नाइन की मदद से सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे हैं यात्रियों को जिस क्रू कैप्सूल के माध्यम से ले जाया गया है उसे क्रू ड्रैगन नाम दिया गया है स्पेस एक्स का फॉल्कन नाइन दो चरणों वाला रॉकेट है जिसने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से यात्रा प्रारंभ की है

ये आपका था आज का अंतिम प्रश्न आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे एंड ये काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे आपकी स्ट्रेटेजी में आपकी प्रिपरेशन में एंड आई होप कि आप लोग यूपी पी के एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को जरूर देख पाएंगे एंड अगर देख पाएं तो बताना ना भूलें सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन एंड तब तक के लिए डाटा बाय बाय टेक केयर बाय